तो क्या वाकई में फ्लॉप हो सकता है बिग बॉस का ये 2020? क्या बिग बॉस सीजन 14 इस बार नहीं मचाएगा वो बवाल जो पिछली बार उसने मचाया था? क्या दर्शकों के एंटरटेनमेंट में आने वाली है कमी? वेल, ये सारे क्वेश्चंस हम इसलिए पुट अप कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी बन चुकी हैं। दरअसल पहले बताया जा रहा था कि जल्द ही शो जब आएगा तो उसमें आपको करण पटेल और एली गोनी नज़र आ सकते हैं, लेकिन अब खबर सामने ये आई कि दोनों ही एक्टर्स इस शो में नज़र नहीं आएंगे। हालांकि ये खबर काफ़ी समय पहले सामने आ रही थी, लेकिन इस खबर के बाद जब ये पता चला कि 28 सितंबर को जोधपुर कोर्ट में सलमान को काला हिरण मामले में हाजिरी भी लगानी है, तो खबरें ये तेज़ हो गईं कि हो सकता है कि शायद सलमान खान और बिग बॉस को बॉयकॉट करने की डिमांड वाले फैंस अब इस खबर का इस्तेमाल बिग बॉस की नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए ज़रूर कर सकते हैं। पर आपको बता दें कि कुछ फैंस में गुस्सा है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेकर, क्योंकि वो समझते हैं कि इन सब के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो बॉलीवुड के आला कमान बनकर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक सलमान खान भी हैं। अब ऐसे में क्या वाकई में बिग बॉस के लिए ये पूरा सीजन एक चैलेंज साबित होने वाला है? क्या बिग बॉस की क्रिएटिव टीम को इस शो में रौनक बांधने के लिए और बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि शायद इस शो को पिछले सीजन से एंटरटेनिंग बना सके? तमाम और खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। बी अपडेटेड विद अस। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट।